हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज आपसे बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो गई है, कभी 15 दिन पर, कभी 40 दिन पर, कभी 60 दिन तक, कभी 6 महीने तक मेंसेस प्रोलोंग हो जा रहा है। जी हाँ, ऐसा होता है, वो भी पीसीओडी में। आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है चिन पर, अपर लिप पर, एब्डोमेन पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखते रहिए, मैं ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो पीसीओडी को क्योर भी करता है और बार बार होने से बचाता भी है। किस तरह से आपको अपना वेट टेकल करना है, किस तरह से आपको अपना हेयर ग्रोथ टेकल करना है, ये सारी टिप्स आज आपको मिलेगी। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जी हाँ, ये इनफर्टिलिटी सीरीज है, यानी कि पीसीओडी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेगनेंसी नहीं होने देती, जो कंसीव नहीं होने देती। तो ये इनफर्टिलिटी सीरीज में मैं बात करने वाली हूँ पीसीओडी के बारे में। दूसरी बात है ओवरियन सिस्ट के बारे में। ओवरियन सिस्ट और पीसीओडी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरी बात आती है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की। जी हाँ, आपको पता होगा कि भाई ट्यूब ब्लॉक है तो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। मैं बताने वाली हूँ ऐसे सिंपल टिप जो रात को एक बार करके सो जाना है और जो आपकी ट्यूब को खोल देगा। तो जी हाँ, इनफर्टिलिटी सीरीज में मैं बात करने वाली हूँ मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी में स्पर्म को कैसे बढ़ाते हैं, 3 महीने में आपका स्पर्म काउंट 1 से लेकर 50 तक कैसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैं बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इनफर्टिलिटी सीरीज में मेरे साथ। यदि आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल में आए, तो सब्सक्राइब झट से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोस रोज आते रहते हैं और अच्छी अच्छी टिप्स होती है हेल्थ के बारे में जो आपको हिट एंड फिट रखती है। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का आखिर तक देखना ना भूलिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक मिलेगी तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा, तो लाइक कर दीजिए। तो अब बात करते हैं पीसीओडी है क्या। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो भी आप उसको कहना चाहे, उसमें होता क्या है। उसमें ये होता है कि एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि मेल हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हॉर्मोन्स बैलेंस करते हैं, उसका लेवल बिगड़ जाता है, यानी कि अप डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ने पर आप में मेल सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी कि मेल हॉर्मोन्स हो गए बॉडी में तो मेल सिम्टम्स भी आएंगे। डोमिनेंसी बढ़ जाएगी, गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेशन लेवल डबल हो जाएगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि मेल पैटर्न बाल नेस भी हो जाएगी, हेयर ग्रोथ भी ऐसे ऐसी जगह पर होगी जैसे कि चिन पर, बियर्ड बोलते हैं उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। कई बार तो थिकनेस हेयर की इतनी होती है जितने मेल में होते हैं, इतना सीवियर हेयर ग्रोथ भी हो जाता है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी क्या होती है। मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो जो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए हार्मोन्स है वो इम्बेलेंस हो जाएंगे, उसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी हमारे बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद ही प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी में बनता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है बॉडी में, उसके लिए वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि एंडोमेट्रियम को ये मैसेज मिलेगा ही नहीं कि भाई अब ग्रोथ कम कर दो। तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ती ही जाएगी, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई नहीं होगा। तो जब मेंसेस आएगा वो इतना सीवियर होगा, 1 महीने तक चलेगा, 2.5 महीने तक चलेगा, और C4 मेडिसिन लेने के बाद ही कम होगा। इसीलिए जिसको पोलाइट लॉन्ग पीसीओडी की कंप्लेंट रहती है, उसको ओवरियन कैंसर होने के चांसेस, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ती जा रही है और कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन सबको नहीं होते, तो टेंशन ना लो, मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली। दूसरी बात करते हैं ओबेसिटी की। इसमें जो हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस हॉर्मोन होते हैं, हॉर्मोन इम्बुलेंस होते हैं, उसकी वजह से वेट कंट्रोल में नहीं रहता है, चाहे आप डाइट कंट्रोल कर लो या एक्सरसाइज कर लो, जब तक हॉर्मोन इम्बेलेंस नहीं होगा वेट कम नहीं होगा। एक्ने हो जाते हैं फेस पर और एब्डोमेन पर, बैक पर, ये एक्ने ऐसे होते हैं जो जब तक मेंसेस नहीं आएगा एक्ने नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट करा ले। तो ये पीसीओडी बहुत सारे कंप्लेंट्स बॉडी में लेकर आती है। इसकी सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो है प्रेगनेंसी, यानी कि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होगी, बेबी कंसीव ही नहीं होगा। मोस्ट ऑफ पीसीओडी की डायग्नोसिस प्रेगनेंसी ना रहने पर होती है। जब लेडी चेकअप करवाने जाती है कि भाई मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं रह रही, तो वह जाकर पता चलेगा कि इसको पीसीओडी है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, जब भी प्रोलिफरेटिव फेज होगा, यानी कि फर्स्ट 15 डेज में हमारी ओवरी बहुत सारे ओम बनाती है जो
15 दिन तक मैच्योर होने में एक ही ओवम मैच्योर होता है और जब वो रिलीज हो जाता है एलएच हमारे बॉडी में आ जाता है तो एक मैच्योर हो जाता है और फिर वो एग हमारी बॉडी में सीक्रेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का अपना काम शुरू कर देता है और बाकी के सारे जो ओवम होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, अपनी बॉडी में ही पिघल जाते हैं। जो ओवम मैच्योर होता है वो उसके साथ स्पर्म आएगा तो वो प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंसीव हो जाएगी उस फीमेल। लेकिन यदि वो एक 48 आवर्स में स्पर्म को नहीं मिलेगा तो वो भी डाइल्यूट हो जाता है, ये नॉर्मल साइकिल है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में हमारी ओवरी बहुत सारे ओवम बना डालती है लेकिन मैच्योरिटी तक कोई नहीं पहुंचता। तो जो मैच्योर नहीं होगा तो ओवम सिक्रीट ही नहीं होगा बॉडी में, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन डिफिशियंसी के सिम्टम्स आएगा, ओवर इंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। तब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली तरीके से मैंने डिवाइड कर दी है, बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले तो पीसीओडी है तो एक मेडिसिन कन्फर्म है, वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200 ड्रॉप्स आपको दिन में 4 बार लेने हैं। अब बात करते हैं राइट साइडेड पीसीओडी और लेफ्ट साइडेड पीसीओडी, यानी कि दो ओवरी है तो जो राइट साइड में यदि ओवरियन डिसफंक्शन है तो अलग मेडिसिन आएगी, लेफ्ट साइड में ओवरियन डिसफंक्शन है तो अलग मेडिसिन आएगी। राइट साइडेड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 200 दो ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को, पल्सेटिला 200 दो ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को। इसी तरह से लेफ्ट साइडेड पीसीओडी है तो आती है मेडिसिन लेकेसिस एंड पल्सेटिला। लेकेसिस 200 दो ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को, पल्सेटिला 200 दो ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को। ये बात हुई राइट साइडेड पीसीओडी एंड लेफ्ट साइडेड पीसीओडी। अब आती है एकमने सिम्टम, यानी कि ओबेसिटी, हेयर ग्रोथ एंड एक्ने। तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में, तो उसके लिए मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब 200 दो बूंद आपको दिन में 4 बार लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। और साथ में एक्सरसाइज करनी है डेली 3 या 4 किलोमीटर वॉकिंग सुबह एंड शाम को 2 टाइम करें, या फिर 1 टाइम आप 5 किलोमीटर वॉकिंग करें तो आपकी मर्जी, जो भी आपके शेड्यूल में फिट हो रहा है वो। लेकिन 4 या 5 किलोमीटर रोज आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। साथ में ही डाइट में जंक फूड अवॉइड करना है, ऑयली फूड अवॉइड करनी है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। ये सब करेंगे और मेडिसिन लेंगे तो ओबेसिटी भी चले जाएगी। यदि आपका वेट कम होगा, वेट रिडक्शन होगा तो पीसीओडी जल्दी से ठीक हो जाएगी और आपका हार्मोनल बैलेंस जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ की। यदि हेयर ग्रोथ अपर चिन और अपर लिप एरिया में है तो लेनी है सेपिया। सेपिया 200 दो ड्रॉप्स आपको दिन में 4 बार लेने हैं और थुजा 1 ml रात में सोते समय। ये बात हुई हेयर ग्रोथ के बारे में। अब बात करते हैं एक्ने के बारे में। यदि पीसीओडी में आपको एक्ने है जो मेंसेस आने से पहले बढ़ जाते हैं और जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है एक्ने गायब, तो इसके लिए मेडिसिन है कोनायम। कोनायम 200 दो बूंद आपको सुबह और 2 बूंद शाम को ले लेनी है तो एक्ने प्रॉब्लम चले जाएगा और मेंसेस भी रेगुलेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे मेंसेस की इरेगुलरिटी की मेडिसिन और उसके साथ साथ वाले सिम्टम्स की मेडिसिन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जो बहुत ही इजीली आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो की, यानी कि कोई ऐसे लोग हैं जिसको जब तक मेडिसिन ना ले फ्लो स्टार्ट नहीं होता, तो उसको लेनी है एपिस मेलिफिका करके मेडिसिन आती है। एपिस मेलिफिका 200 दो ड्रॉप आपको दिन में 4 बार ले लेने हैं तो 3 या 4 दिन में आपको मेंसेस आ जाएगा। आपको 3 महीने 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि 40 डेज में आपका मेंसेस नहीं आता है तो आप एपिस मेलिफिका स्टार्ट कर दीजिए, आपका फ्लो 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। कई ऐसे भी लोग हैं जिसको एक बार फ्लो स्टार्ट हो जाए तो बहुत हैवी फ्लो आता है, यानी कि दिन में 6 या 7 बार पेट बदलने पड़ते हैं और तब तक ख़त्म नहीं होता, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तब तक वो मेडिसिन नहीं लेते, मेंस्ट्रुअल फ्लो कम नहीं होता, मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद नहीं होता, तो उसके लिए मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब। यदि हैवी फ्लो है तो आपको कैसे लेनी है, एक बॉल लेना है, उसमें आप 10 चम्मच पानी डाल दीजिए और उसमें 20 ड्रॉप्स आप कल्केरिया कार्ब 200 मेडिसिन के डाल दीजिए। उसके बाद क्या करने है, हर घंटे में आपको 2 चम्मच पानी उसमें से पी लेना है। इस तरह से करेंगे तो आपको एक दिन में ही फ्लो 50% या 70% रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह से आप 5 या 6 दिन तक कल्केरिया कार्ब लेंगे तो आपकी नॉर्मल साइकिल हो जाएगी और आपको फ्लो बंद करने की या फिर ब्लड लॉस होने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स ये सारी मेडिसिन थी जो आपको पीसीओडी में और उसके साथ साथ जो भी सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए लेनी होगी। फ्रेंड्स इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा और अपॉइंटमेंट भी ले लीजिएगा एक बार ताकि मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकूँ। आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है मैं आपको खुद बता सकूँ, तो एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके लिए नंबर और मेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये सारी बात थी पीसीओडी के बारे में। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पीसीओडी क्योरेबल है। एक के डेढ़ महीने की ट्रीटमेंट में पीसीओडी क्योर हो जाएगी और हाँ कंसीव भी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी भी ट्रीट हो जाएगी वो भी बहुत इजीली। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, चाची भाभी दीदी कोई भी हो जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, जिसको पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रेस मुझे पता है, तो उन सारे लोगों को ये सेंड कीजिए ताकि उसको भी हेल्प हो सके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक तो बनता है यार इतनी मेहनत के बाद, तो एक बार लाइक कर दीजिए। और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल सके। स्ट्रेस फ्री रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।